दोस्तों आज हम लोग कंप्यूटर के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि माउस के इनसाइड देखने वाले हैं। बेसिकली मैं इस चैनल पे चीज़ों का टीयर डाउन करता हूँ, उसके इनसाइड के पार्ट्स को दिखाता हूँ और वो वर्क कैसे करता है ये भी समझाता हूँ। आज हम लोग कंप्यूटर के एक ऑप्टिकल माउस को आउटसाइड और इनसाइड से जानेंगे। ये कर्सर को किस तरह से मूव कराता है यानी कि इसके सेंसर किस तरह से वर्क करते हैं ये भी जानेंगे, और इसके साथ ही साथ इसके स्क्रोल व्हील के अंदर का मैकेनिज्म किस तरह का होता है ये भी जानेंगे। तो लेट्स डू इट एक्रॉस क्रॉस। दोस्तों ये मेरे पास एक ऑप्टिकल माउस है जिसमें इसकी लेफ्ट साइड में इसके लेफ्ट क्लिक बटन होती है, जो कि एक माउस में इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी राइट में राइट क्लिक बटन होती है जिसका यूज लेफ्ट बटन के कंपेरिजन में कम होता है, और इसके मिडल में एक स्क्रॉल व्हील होती है जो कि पेज को स्क्रॉल करने के काम आती है। नॉर्मली एक माउस के फ्रंट साइड में यही तीन चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, और अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में इसमें मिडिल में एक लेंस लगी हुई होती है जो कि इसमें लगे LED के लाइट को रिफ्लेक्ट कर इस माउस के नीचे वाले सरफेस को इल्यूमिनेट करने का काम आता है, और इसके ऊपर में कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो कि ये एक 3D ऑप्टिकल माउस है, ये 5 वोल्ट 100 mA DC पे ही वर्क करेगा। इस माउस का दोनों पार्ट इसके पीछे लगे एक स्क्रू पे टाइट है। चलिए इसे खोलते हैं और इसके इनसाइड के पार्ट्स को देखते हैं। दोस्तों माउस का इन्वेंट डॉगलस एंजल बार्ट ने 1960 में किया था, जो कि देखने में कुछ इस तरह का था, और इस ऑप्टिकल माउस का इन्वेंट स्टीव कियर्स ने किया था। तो इसे ओपन करने पे हमें इसका अंदर का ओवरव्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें कि ऊपर में इसके स्क्रॉल व्हील लगे हुए होते हैं जिसे रोटेट करने पे इसमें लगे इस बगल वाले पार्ट को ये रोटेट करता है, और इसके यहाँ पे बटन्स हैं जो कि अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये इसकी राइट साइड में इसकी राइट बटन और इसके बगल में इसकी लेफ्ट बटन। स्क्रॉल व्हील के साइड में इसके स्क्रॉल बटन दिए हुए हैं जो कि स्क्रॉल को लॉक और अनलॉक करने का काम आता है, और इसके अलावा इसमें एक ऑप्टिकल सेंसर लगी हुई है और एक LED लाइट भी लगी हुई है, और इसके नीचे इसका लेंस होता है जो कि अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, और इसका यूज़ तो मैंने पहले बता ही दिया है। अब चलिए इसकी वर्किंग सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जितने भी स्विच लगे हुए हैं सभी का तो काम सर्किट को ओपन और क्लोज करना ही है, तो इसी से ये CPU को सिग्नल भेजते हैं। अब हमें ये जानना है कि इसकी सेंसर किस तरह से वर्क करती है। और दोस्तों इसके मिडल में जो एक सेंसर लगा हुआ है ये एक ऑप्टिकल सेंसर है, जो कि इसके साइड में लगे हुए LED के लाइट जो सरफेस पे पड़ती है उसे ये डिटेक्ट करता है, और ये सेंसर एक कैमरे की तरह वर्क करती है जो कि 1 सेकेंड में 100 पिक को लेती है और पहले वाले पिक को बाद वाले पिक से कंपेयर करती है कि ये किस एक्सिस में मूव किया है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये CPU को भेजती है, और CPU हमें कर्सर को मूव करते हुए दिखाता है। तो इस सेंसर का बस यही यूज है। अब अगर मैं स्क्रॉल व्हील की बात करूं तो स्क्रॉल व्हील को रोटेट करने पे इसके साइड में लगे ये पार्ट रोटेट होता है, और जिसके कारण जो है हमें स्क्रीन पे स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है। अगर इसे मैं खोलूं तो ये अंदर से इसके पार्ट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो कि यही ऊपर वाला पार्ट स्क्रॉल होता है और हमें स्क्रॉल होता हुआ स्क्रीन पे नज़र आता है, जो बैक साइड से कुछ इसमें तांबा के पत्ती जैसी लगी हुई है। बस दोस्तों इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ इसी तरह का है और इसके इनसाइड के पार्ट्स कुछ इस तरह के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।